हाई माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे पॉजिटिव होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ पॉजिटिव हूँ चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों का नमस्ते सलाम सिस्टर का लादाब इस चैनल के ऊपर तो गाइज आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि आपकी शादी आपके पर्सन से लाइक like आप अभी जिसके जिसको डेट कर रहे हो या फिर जिसके साथ नो no कम्युनिकेशन में हो या कम्युनिकेशन में हो जो भी सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के बीच में आप जिस भी पर्सन के साथ में हो या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो क्या आपकी शादी उस पर्सन से होगी और अगर होती है तो वो शादी कब तक होगी ठीक है तो आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी और होगी तो कब होगी और यहाँ पे मेरे पास मेरे ओल्ड डेक के कुछ कार्ड रखे हुए हैं यह है पाइल नंबर वन टेम्परेंस और यह पायल नंबर टू द हेयर तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव सा फैसिनेटेड सा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ आपको उस कार्ड को चूज कर लेना है ठीक है जी चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और होप फॉर द पॉजिटिव वन मन में गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें चलिए शुरू करते हैं ये है हमारे पास पाइल नंबर वन टेम्परेंस जिसकी रीडिंग मैं कर रही हूँ और यह है पाइल नंबर टू इसको मैं साइड में रख देती हूँ सो कार्ड्स आप लोगों के सामने ही निकालूंगी ठीक है जी टेम्परेंस जिन लोगों ने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया था मैं इसको ना इस डेक को, को यहाँ रख देती हूँ इसको यहाँ पे ऐसे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा दिखे जस्ट गिव मी अ मोमेंट ऐसे करके रख देती हूँ ताकि आप लोगों को ना एकदम क्लियर तरीके से दिखे ओके चलिए शुरू करते हैं फायल नंबर वन गाइस आप लोगों की रीडिंग है ये आखिरकार जस्ट जस्ट गिव मी अ मोमेंट आखिरकार आपकी जो शादी है क्या आपके पर्सन से होगी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं क्या आपकी शादी इस पर्सन से होगी होगी तो कब होगी वो भी हम चेक इन करेंगे और अगर नहीं होगी तो किससे होगी ये भी मैं आपको बताऊंगी ठीक है वन टू थ्री फोर ठीक है चार कार्ड मैंने यहाँ पे निकाले अच्छा अब भाई इस अंगूठी के बारे में जो है इस रिंग के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे मैम आप इसमें क्यों नहीं पहन रहे हो इसमें क्यों पहन रहे हो आई डोंट नो वाई मे भी हो सकता है मेरा वेट जो है कम हुआ है जिसकी वजह से ये मुझे आती नहीं है इसके अंदर और देखो थम में भी नहीं आ रही है ठीक <laughs> है ऐसा ऐसा कोई स्टाइल आइकन नहीं बनाया है मैंने कोई स्टाइल का फैशन कोई ट्रेंड नहीं बनाया इट्स जस्ट कि अंगूठी आ नहीं रही है इसके अंदर ठीक है जी ओके okay. आप लोग भी ना इतने सारे सवाल करते हो कमेंट सेक्शन में तो मुझे जो चीज़ याद आती है जब उसका आंसर मैं वैसे दे देती हूँ ठीक है जी चलिए तो हमारे पास है यहां पे लोनलीनेस देन वी हैव थंडर बोल्ट देन वी हैव पॉलिटिक्स एंड देन वी हैव सक्सेस ओके अभी रिलेशनशिप में काफ़ी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं अभी हाल फिलहाल जो रिलेशनशिप की कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है काफी ज्यादा परेशान हो और चीजें जो है सेटल होने का नाम नहीं ले रही हैं काफी ज्यादा अलोन महसूस करते हो इस पर्सन के बिना या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी अकेले रह जाते हो मुझे यहाँ पे पता है क्या लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ठीक है आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से ना किसी तरीके की डर्टी पॉलिटिक्स का जो है सामना कर रहा है ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने भड़काया है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन है अभी चीजों को सही तरीके से या सही दिशा में नहीं ले पा रहा है बिकॉज वो रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सुनता रहता है इन सेंस कि अपने पेरेंट्स से या जो कि आप दोनों की शादी के खिलाफ है या फिर आप दोनों की शादी हो चुकी है एंड देन फिर खिलाफ है ठीक है या फिर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है विद दिस थंडर बोल्ट कार्ड कि आ, इनके कोई जो है चाहने वाले हैं चाहने वाले इन सेंस कि इनके कोई कजन वगैरह रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं या फिर जो है कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती इनमें फ्रेंड्स भी हो सकते हैं फैमिली भी हो सकती हैं ठीक है या फिर कोई थर्ड ऐसी पार्टी हो सकती है जो आपके पर्सन से या फिर आपसे प्यार करती है और इस पर्सन को जो है आपसे दूर करने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कि आपके बंदे को ना थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो पॉइजन की तरह जो है रोज, रोज 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 जहर देता रहता है और वो जहर है आपसे दूर करने का जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अभी चल रही है ठीक है आप इस चीज से बाहर आकर के ना एक नई शुरुआत करना चाहते हो बट द प्रॉब्लम इज कि चीजें सेटल नहीं हो पा रही है और अगर आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे आया है सेवन सेवेंटी सिक्स अगर आप लोगों को पता हो सेवेंटी सिक्स का क्या मतलब है एक एंजलिक नंबर होता है सेवनटी सिक्स अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ठीक है तो नंबर्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें ओके यहाँ पे नाइन है हमारे पास और आ, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दू यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है इस नंबर पर ध्यान क्यों नहीं दे, दे रहे हैं हम लोग वो इसलिए बिकॉज ये तीन नंबर है एक साथ ठीक है सिर्फ एक पे या फिर सिर्फ दो पे ध्यान देना होता है डायरेक्ट तीन वाले पे नहीं देना होता है स्पेशली रोमन के अंदर ओके ओके तो साथ के साथ ज्ञान भी दे देती हूँ आप लोगों को रीडिंग के साथ अच्छा होता है आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इतनी ठीक है ओके तो जो मैं यहाँ पे नजर आ रहा है मेरे को अभी कि इस जिस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है ना आप इस पर्सन को जानते हो और उस पर्सन के साथ एक, आप एक तरीके का टावर मूवमेंट जो है देख रहे हो काफी ज्यादा परेशानी और भरा टावर मूवमेंट हो सकता है ये काफी ज्यादा मुसीबतों से निकल करके आप जो है इस पर्सन के साथ अपनी गृहस्थी बसाने वाले हो ठीक है जी देन यू विल बी फील कि हम दोनों ने एक तरीके की विक्ट्री हासिल करी क्योंकि हमने अपने सारे एनिमीज को हरा करके एक बड़ी विक्ट्री को अपनी जिंदगी में लेकर आए हैं हम लोग Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Four of Wands. Wow, beautiful cards. Like beautiful. So beautiful. Okay, so we have Three of Wands, Knight of Wands. फोर वो लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं लगाऊंगी मैं इसको उसी क्रम में लगाऊंगी जिस क्रम में ये निकले थे ओके okay. तो जो चीज मुझे दूसरी यहाँ पे लग रही है ना कि गाइस चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए चाहे बिजली गिर जाए ठीक <laughs> है राय में हो गई लेकिन इस पर्सन के साथ आपको कोई भी मतलब हिला नहीं सकता मैं आप लोगों को बता दूं बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है इस बंदे के साथ का जो रिलेशनशिप है ना इसकी बात ही कुछ और है इसकी मतलब कहते हैं ना कि एक अरोमा होता है हर चीज का तो वो अरोमा ही अलग है इस बंदे के साथ आपका जो रिकन्सिलियेशन है या फिर जो शादी है वो कोई रोक नहीं सकता कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक दे क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा क्योंकि यहाँ पे आया है पूरा वोवेंस का कार्ड दैट मीन्स अ शादी कार्ड अ मैरिज कार्ड अ प्रपोजल कार्ड जो कि आपको बहुत सारी आई I मीन mean, बहुत 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 सारी जो है अपॉर्चुनिटीज uh, आपको देता है और बहुत सारी होप्स के साथ साथ जो है आगे बढ़ने की हिम्मत देता है अभी चाहे ये पर्सन कितना भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठा हो कि मुझे आगे चल कर, कर को कोई डिसीजन नहीं लेना है कुछ नहीं करना है ओके okay? सिर्फ और सिर्फ मुझे बहुत ज्यादा सोचना है और इस चीज़ के बारे में डिनाई करना है बट फॉर श्योर बहुत जल्दी जो है मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके का अच्छा डिसीजन लेगा आपकी तरफ आएगा एंड फॉर श्योर इस बंदे के साथ ही आपकी शादी तय है ठीक है क्यों क्योंकि ये अभी काफी कुछ सोच विचार रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में ठीक है जी तो आपकी शादी तो श्योर इसी बंदे के साथ होती हुई मुझे नजर आ रही है अभी जिस भी पर्सन के साथ आप डील रहे हो उसके साथ ठीक है जी लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है काफी ज्यादा अप एंड डाउन से जो है होकर के बीता है और आगे भी होने वाला है लेकिन हमारे पास है यहाँ पे चैरियट सेकेंड फास्ट मूविंग कार्ड पहला आया था हमारे पास नाइट ऑफ वॉर्स सेकेंड आया हमारे पास चैरियट और एक कार्ड और निकाल लेते हैं और अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा फिर है हमारे पास सन ठीक है फॉर श्योर गाइज आप लोगों की शादी इसी बंदे से होगी और बॉटम ऑफ द टेक दिखाऊ स्ट्रेंथ इसी चीज की मैं बात कर रही थी आपसे स्टार्टिंग में ठीक है कि बस थोड़ी सी हिम्मत थोड़ा सा हौसला थोड़ी सी बुलंदी की जरूरत है इस बंदे के साथ शादी होने से कोई नहीं रोक सकता चलिए यहां पे थोड़े से रोमांस एजर्स भी देख लेते हैं अट्रैक्शन स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में ओके मैं ये दोनों कार्ड नहीं ले रही हूं ठीक है जी हम ये लेंगे हम कीप एन ओपन माइंड एंड हीलिंग फैमिली इश्यूज यही मैंने आपको चीज बोली थी ना थोड़ी देर पहले मैंने यही बोला था ना कि हो सकता है घर वालों की प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर इसके घर वाले ही हैं जो इसको थोड़ा थोड़ा स्लो पॉइजन देते रहते हैं फिर इसके घर में ही कोई ऐसी पर्सन है जो कि इनको थोड़ा थोड़ा सा ना स्लो पॉइजन देती रहती है या देता रहता है जिसकी वजह से ये बंदा ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो आज भी बरकरार है और ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहा है आपको अपना ओपन माइंड रखना चाहिए फॉर श्योर आपकी शादी इस बंदे से ही होगी फैमिलीज के जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो डेफिनेटली हील होंगे और चीजें आगे बढ़े ठीक है चलिए कुछ कार्ड्स जो है हम एंजल की तरफ से गाइडेंस भी चेक इन कर लेते हैं एक कार्ड ये गिरा है ओके ओके एक ये गिरा है एक ये भी आना चाहता है एक और लेंगे हम ये वाला लेंगे ठीक है क्या क्या है हमारे पास सो वी हैव यू आर रेडी जो मैंने बोला ही था कि बहुत जल्दी होने वाला है कब होगा ये भी चेक इन करेंगे डोंट वरी फिर हमारे पास विद इन विद इन फ्यू वीक्स तो इसीलिए देखो मैंने आप लोगों को बोला था लाइक फास्ट मूविंग एनर्जी है यहां पे देख रहे हो आप चैरिट का भी कार्ड है नाइट ऑफ बॉन्स का भी कार्ड है और विद इन फ्यू वीक्स का भी कार्ड है हो सकता है विद इन फ्यू वीक्स यानी कि कुछ महीनों में या कुछ कुछ हप्तों में ये जो पर्सन है किसी तरीके का मूव ले आपके पास क्योंकि अब आप रेडी हो चुके हो इतने सारे प्रॉब्लम खा खा के खा खा के और कुछ लोगों के आई ईयर फ्रॉम नाउ हो सकता है यानी कि इस 2021 के आखिर तक हो सकता है ठीक है डोंट स्टॉप रुको मत आगे बढ़ते चले जाओ बिकॉज विद इन फ्यू वीक्स यू विल गेट अ ब्यूटिफुल न्यूज ठीक है और ये न्यूज होने वाली है कि भैया जी देखो बस बहुत हो गया है अब शादी वादी कर लेते हैं कुछ नहीं रखा चीजों में ठीक है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को काफी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं और एक कार्ड जो मैं निकालना भूल गई एक हम कंफर्मेशन भी जो करने वाले थे वो भी कर लेते हैं वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया है कुछ लोगों के लिए ये 2021 का आखिर और कुछ लोगों के लिए अभी कुछ महीनों के भीतर भीतर ना होने वाला है कि ये पर्सन किसी तरीके का मूव ले और ये पर्सन जो है आपसे शादी करने के लिए आए बाकी हम एंजल्स की तरफ से भी देख देख लेते हैं सिर्फ एक कार्ड चाहिए मुझे सिर्फ एक कार्ड जस्ट कार्ड प्लीज एंजल्स बताए सिर्फ एक कार्ड ये वाला देखते हैं cups, wow! भाई दिन है या तो या फिर सिर्फ वीक है ठीक है तो विद इन फ्यू वीक्स अगर टेन वीक्स की बात करें हम तो चार और चार आठ ढाई महीने ठीक है और अगर हम यहाँ पे देखें कि टेन डेज तो फास्ट मूविंग एनर्जीज या तो ढाई महीने या फिर दस दिन ओके okay, ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ फॉर sure इस बंदे के साथ शादी वगैरह जो है किसी तरीके की फिक्सेशन हो सकती है किसी तरीके की आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट रीडिंग आई पाइल नंबर वन द लकी पायल नंबर वन जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा के मुझे जरूर बताएं कैसा फील कर रहे हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और अपनी अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक करवाने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना अपना ध्यान रखें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को बाय नंबर टू तो जिन लोगों ने हेरोन का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया था चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स निकलने वाली है तो मैं इस कार्ड को यहां रख रही हूँ ठीक है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे कि भाई किसकी रीडिंग हो रही है ओके पाइल नंबर टू लेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी या फिर जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ होगी या नहीं और होगी तो कब तक मन में गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें गाइज और आई होप आप लोगों ने फुल इंट्यूशन के साथ कार्ड्स जो हैं पिक किए हैं क्योंकि इंट्यूशंस ऑलवेज मैटर एंड ऑलवेज दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरी वन बट नहीं करती है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं करती है तो भी मुझे बताएं जो भी आप लोगों से रेजोनेट करें उस चीज़ को पिक करें बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दें ठीक है ओके वन मो कार्ड हारमोनी पहला कार्ड रिकन्सिलेशन का आ गया ओके लेजीनेस वन मोर कार्ड कॉन्शियसनेस ठीक है हम्म हम्म ओके So, uh, यहाँ पे जो मैं चीज़ देख रही हूँ वो ये है गाइस कि आप लोग इस हारमोनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ठीक है या फिर ऐसा हो सकता है कि आप वो पर्सन हो जो कि एक तरीके के सर्वाइवर हो सर्वाइवर इन सेंस कि आप किसी तरीके के बैड रिलेशनशिप से निकल करके एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ठीक है विद दिस फूल कार्ड आप एक न्यू रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ठीक है आप जो भी आपका करंट पार्टनर रहा है या फिर जिस भी पर्सन ने आपको बुरा भला बोला है लाइक मैं एक सिनारियों बता रही हूँ बहुत सारे सिनारियों है अभी ठीक है बिकॉज जनरल रीडिंग है तो ढेर सारे जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं यहाँ पे जिनके इंट्यूशंस आते हैं मुझे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ओके okay. तो uh, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको किसी तरीके का कोई चीट cheat, चीटिंग uh, मिली हो किसी तरीके का कोई बिट्रायल किसी तरीके की डिसेप्शन मिला हो जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये है कि यार uh, अब मुझे किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं डायरेक्ट शादी करनी है और आगे बढ़ना है ठीक है अब मैं ना आप मतलब बहुत ज्यादा लेजी से हो गए हो देख रहे हो लाइक बहुत ज्यादा लेजीनेस सी आ गई है आपके अंदर और लेजीनेस इसलिए आई है क्योंकि अब आप ना आगे चल करके किसी भी रिलेशनशिप को लाइक एज ए लव रिलेशनशिप को जो है अपनी जिंदगी में आना आने नहीं देना चाहते हो अब आपके दिमाग में यह है कि यार बस छड्डो परे मुझे कुछ नहीं करना है मुझे आगे बढ़ना है कोई अच्छा रिलेशनशिप आता है मेरी जिंदगी में मतलब कोई मैरिज uh, प्रपोजल आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है और चलते बनना है ठीक है दूसरे सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकते हो या तो किसी तरीके की टीएफ जर्नी में या फिर किसी तरीके के सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों का जो है रिलेशनशिप अभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से जूझ रहा है देख रहे हो यहां पे टेन है और यहाँ पे नाइन है टेन इज फॉर हारमोनी एंड नाइन फॉर एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स ठीक है और ये तो जीरो है ही और कॉन्शियसनेस पे कोई भी साइन नहीं है दैट मीन्स इट इज जस्ट काउंट इन अ इन्फिनिटी ग्रुप तो फॉर श्योर sure, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया बड़ा बदलाव आएगा इस रिलेशनशिप के स्टार्ट होने से पहले और आप जो है अपने आप को एक तरीके का वर्थइट फील करना शुरू करोगी आपकी शादी इस पर्सन के साथ जो आपका अभी करंट पार्टनर है इसके साथ होने के चांसेस हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो और जिन लोगों के साथ किसी तरीके की चीटिंग हुई है और वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उन लोगों के साथ ये हो सकता है कि आ, अभी जो आपको जो एकदम न्यू फ्रेश जो रिलेशनशिप या किसी तरीके का मैरिज प्रपोजल आया तो वो आपके लिए काफी ज्यादा परफेक्ट रहने वाला है ठीक है तो जो लोग किसी तरीके की टीएफ जर्नी या सोलमेट कनेक्शन में है उन लोगों के लिए है गाइस कि आप लोग जो हो एक न्यू रिलेशनशिप <coughs> बनाने वाले हो अपने इस ओल्ड रिलेशनशिप को आपके अंदर बहुत सारे इंट्यूशन पावर आ जाएंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी कॉन्शियसली देख रहे हैं आप पे कॉन्शियस का कार्ड है तो कॉन्शियसली काफी ज्यादा आप बोल्ड हो जाओगे काफ़ी ज्यादा अंदर वाली वाइब्रेशन आपको आना शुरू हो जाएंगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए अब मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या गलत होगा ठीक है और किसी तरीके की यहाँ पे लेजीनेस का कार्ड है दैट मीन्स कि आप एकदम काम कूल हो जाओगे शांत हो जाओगे हरी जो होती है ना एक तरीके की टीन के अंदर या फिर एकदम जो फ्रेशली बिल्ट यूथ होते हैं उनके अंदर जो एक तरीके की हरी होती है वो हरी आप लोगों के अंदर नहीं होने वाली है आप बहुत ज्यादा काम कूल शांत हो जाओगे ठीक है चलिए टैरो में से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं ओके ये दो कार्ड देखते हैं चेरियट टेन ऑफ सोज मैंने कहा था ना कि मतलब किसी तरीके का कोई ड्रामा क्रिएट हुआ है आपकी जिंदगी में किसी तरीके की कोई चीटिंग हुई है देख लो वही कार्ड आ गए अब आपने अपने आप को ना उस चीज से बैलेंस करके आगे बढ़ाने की कोशिश करी है एसो वॉन्स का भी कार्ड है ओके okay. एक कार्ड और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेस्क फोर पेनिकल्स। ओके सो वी हैव कैंसर देन वी हैव जमना लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस ओके ये कुछ साइन यहाँ पे मौजूद है कैंसर और एरीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कैंसर एरीज लिब्रा तो गाइज अभी आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई होती होती हुई मुझे नज़र तो आ रही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए बहुत सारे बहुत सारे मतलब पापड़ बेलने पड़ेंगे आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए अब क्या होगा इस रिलेशनशिप का अब आगे क्या फ्यूचर हो सकता है तो इस तरीके की जो है सरकम ट्रांसेस रहेंगे आपकी ज़िंदगी में फॉर श्योर एंड यू विल बी फील लाइक पता नहीं अब अब क्या होगा अब सही होगी चीजें या नहीं होंगी इस तरीके की बुन रहेगी और फिर अचानक से इस पर्सन का जो है आपको किसी तरीके का कमिटमेंट या किसी तरीके का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है एंड देन आपकी जो है शादी आगे बढ़ सकती है बात है सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बिठाने की चैरियट इज़ फॉर बैलेंस तो एक तरीके की फास्ट मूविंग एनर्जीज विद बैलेंसिंग पोजीशंस दैट मींस कि आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने की जरूरत है अपने आप को आपके अंदर का जो नारी तत्व है और जो पुरुष तत्व है आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है आपके जो काम है वो बनते ही चले जाएंगे आपकी शादी फॉर श्योर आपके जो ये जो करंट पार्टनर है इनके साथ होने के चांसेस है ठीक है चलिए देखते हैं के सो वी हैव क्या क्या है हमारे पास हाई प्रिस्टिस द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ब्यूटिफुल अगेन ब्यूटिफुल एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सन कार्ड निकालने तो दो थे निकल तीन गए कार्ड चलो कोई बात नहीं ओके okay. तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बोली कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों की जो किस्मत है वो जरूर से जरूर बदलेगी और आप दोनों की शादी एक दूसरे से होकर के ही रहेगी ठीक है बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है गाइस आपको अपने आप के अंदर के जितने भी कॉजेज हैं जो कि आपके जो आपको रोकते हैं चीज़ों को सही करने के करने के लिए उन चीजों को रोक करके आपको एक नया बदलाव अपनी जिंदगी में लेकर आना है अपने आप को बैलेंस करना है फॉर्ट sure आपकी शादी इस बंदे के साथ होनी तय है ठीक है चलिए देखते हैं और भाई जिन लोगों को चीटिंग मिली है अपने रिलेशनशिप में उनके लिए तो कोई जो न्यू पर्सन आया है वो एकदम परफेक्ट है और मैं ये कहने वाली थी कि बस लेट गो कर दो चीजों को और इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो वही कारण आ गया और और लतल करेंगे खुद ही को ही आने दो hmm. वेडिंग सी हमारे पास है यहाँ पे सोलमेट तो आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी <coughs> वेडिंग लेट गो कर दो चीजों को और फिर सी मैंने बोला ना न्यू लव ठीक है जी तो जिन भी लोगों के साथ किसी तरीके की गलत चीज हुई है किसी तरीके की चीटिंग हुई है तो उन लोगों के साथ फॉरश sure क्या होगा एक न्यू लव उनकी जिंदगी में आएगा चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की चलो ले लेते हैं इतने सारे गिर गए तो क्या हुआ वी हैव कॉम्प्रोमाइज तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ इस न्यू पर्सन के साथ इफ यू बिलीव लेकिन आप बिलीव करोगे तो फॉर श्योर ट्रस्ट रखो एंड यस yes है आप लोगों के लिए कि चीजें सही होती ही चली जाएंगी एंड फॉर श्योर जो है आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे ठीक है और फिर एक कार और गिर गया है यहाँ पे अफकोर्स यस ठीक है तो ये एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस कार्ड है आप लोगों को गाइस आई होप आप लोगों की आज आप लोगों को आज की रीडिंग बहुत ज्यादा रेजोनेट हुई हो जिन लोगों ने पाइल नंबर टू को चूज किया था इफ करी है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना अपना ध्यान रखें बाय